दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के छावनी मोहल्ला में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से लवकुश विजय दिवस के उपलक्ष में राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सभी सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री सरदार बादल को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलते हुए धर्म प्रति आस्था को दृढ़ करना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से अमृतसर में पावन वाल्मीकि तीर्थ बनाया जा रहा है, जो कि असंख्य भक्तजनों की आस्था का केंद्र बनेगा। इस अवसर पर पंजाब विधानसभा स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार महेश इंद्र सिंह गरेवाल, योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर राजेंद्र भंडारी, नगर निगम मेयर हरचरण सिंह गोलवडिया, जिला भाजपा प्रधान प्रवीण बांसल, भाजपा पंजाब की कैशियर गुरदेव शर्मा देवी, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन हीरा सिंह गाबड़िया, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के विजय दानव, लक्ष्मण द्रविड़, बिशन दास सहोता, यशपाल चौधरी, नरेश धीमान सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। धार्मिक समागम कर रहे हैं और अज पावन इस दिहाड़े उपर सारे वाल्मीकि धर्म समाज वालों मुबारकबाद देना, पूरे वाल्मीकि समाज वालों सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का धन्यवाद करना। देखो मैं किसी दे जाति गल कदे दा दखल दिता मैंने देना, मेरे आस्ते सारे सत्कार योग, मैं किसी की ना किसी शान ना आंच कद ना लफ्ज वरत्या ना वर ये मतलब नहीं, जे एक थान यह जहा होगा तो सारे डेरे च ही होगा, सारे थान बड़े पवित्र भी है, चंगे काम भी हो रहे हैं, लेकिन कितने कोई यह जहाँ भी हो जाता मैं हूँ की कह सकता।